तो इससे पहले टैक्स सिस्टमेटिक से देख लिए थे, अब इसके बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि 1.3 है। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ते हैं। पहले क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन, इससे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे, इसका था कि अपना था पहले करेक्टराइजेशन था, करेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको आपको क्लासीफाई करना था, जहाँ पर क्लासीफाई, और उसके बाद क्लासीफिकेशन के बाद था हमारा नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप कि पहले किसी भी, अगर कुछ भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको पहले करेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो करेक्टराइजेशन, जब हम उसका करेक्टर्स, करेक्टराइजेशन मतलब उसका करेक्टर्स देखना, क्या करेक्टर्स है उसका, तो करेक्टर्स, करेक्टराइजेशन करने के बाद आइडेंटिफिकेशन करना है, तो करेक्टर से ही तो आइडेंटिफिकेशन होगा, है कि नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन जब हो जाएगा तब आप उसको उसका कैटेगरी डाल देंगे। अब जब उसका करेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, कैटेगरी भी उसको मिल गई है ना, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ये हमारा पहले का स्टेप था। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हैं, पे उसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन मतलब उसको एक कैटेगरी में पुट करना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की, हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो क्या बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन करना मतलब आखिरकार होता क्या है, तो क्लासिफिकेशन करना कि मतलब क्लासिफिकेशन करना कब देखें, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना मतलब उसको एक चीज में पुट करना, ताकि जिसको हम उससे आइडेंटिफाई कर सके, उसको समझ सके। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस चीज़ में बिलोंग करता है, सब चीज़ में डालना है। तो जो हम, जब हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हमको कोई भी एक स्टेप नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे स्टेप होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जो हर एक चीज है इसको क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम कि सबसे बड़ा, ये सबसे लोएस्ट टर्म ये है, सबसे बड़ा टर्म ये वाला पार्ट है कि एक इग्नम वाला पार्ट, तो ये सब क्लासिफिकेशन है। इसको हर एक स्टेप में कि वो कौन से पार्ट से बिलोंग कर रहा है, उसको पुट करना है। ठीक है, तो ये एक हायरार्की वाला प्रोसेस है, जो कि एक मतलब हायरार्की मतलब क्या होता है कि हायरार्की मतलब बोले तो ऐसा होता है कि एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप आएगा, फिर दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आएगा, एक सीढ़ी के जैसा है। तो इसको वो यही बात बोल रहा है, क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ पे पुट कर दिए खत्म, बात नहीं, ये एक हायरार्की ऑफ प्रोसेस है जिसमें आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके उसका क्लासिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि आगे सीन्स द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट सीन्स द कैटेगरी। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात मैं भूल गया, ये इच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। ठीक है, इसमें जो हर एक चीज है ये एक रैंक है, जैसे किंगडम एक रैंक है। ठीक है, पहले आप एक दूसरा रैंक है जो कि उससे थोड़ा छोटा, तो ये सब एक रैंक है या कैटेगरी है। ठीक है, सीन्स द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्योंकि ये सब जो पूरा चीज चल रहा है, ये पूरा क्या है, टैक्सोनॉमिक के अंदर पर है, देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब ये किसी भी, अगर पूछेगा कि कोई क्लास क्या है, तो क्लास एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये सब चीज़ें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक दो तीन चार पाँच है, तो ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है, पूरा मिलकर एक हायरार्की बना रहा है। ठीक है, इसमें से एक स्टेप जब आप करेंगे तब जाके आपको दूसरा स्टेप करना है, और करना ही है, अगर आप करेंगे तभी वो क्लासिफिकेशन डन होगा। ठीक है, तो एक, हर एक चीज़ एक कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और अगर सब कैटेगरी को मिला दें यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, एक हायरार्की बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे फ्रेम हो रहा है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंसिस्ट एंड फॉर्म व्हाट इट फॉर्म्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, समझ आ रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद बोल रहा है ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हाईलाइट करते हैं पहले, ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जितने भी कैटेगरी है, ठीक, यहाँ पे जितने भी कैटेगरी है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो जितने भी कैटेगरी है यहाँ पे, ये सब
जितनी कैटेगरी है ये क्लासिफिकेशन की एक एक यूनिट है, ठीक है, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक अलग यूनिट है, ये ऑर्डर एक अलग यूनिट है, फैमिली एक अलग यूनिट है। तो जितनी क्लासिफिकेशन की हर एक कैटेगरी जो है, हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक यूनिट है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यूनिट, अच्छा यूनिट किस चीज की, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज अ इज रिफर्ड टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन की एक एक कैटेगरी एक एक यूनिट है, और जो रिप्रेजेंट जो रैंक रैंक की कैटेगरी जो बोल सकते हैं, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इस यूनिट को हम बोलते हैं टैक्सा टैक्सोन, ठीक है। इस यूनिट का क्या नाम है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोन। देखिए ये सब यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या है ईच कैटेगरी, देखिए जितने भी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी क्या है, एक यूनिट है, और उस यूनिट का क्या नाम है, उस यूनिट को हम बोलते हैं टैक्सोन। टैक्सोन सिंगुलर है, अगर मैं यहाँ पे दो यूनिट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। जब प्लूरल हो जाएगा तब मैं इसको टैक्सोन नहीं बोलूंगा, तब इसको टैक्सा बोलेंगे, ठीक है। टैक्सा और टैक्सोन में डिफरेंस है, टैक्सोन सिंगुलर है और टैक्सा प्लूरल है। तो अगर वो एक यूनिट की बात करें उसको टैक्सा बोले और टैक्सोन बोले तो क्या टिक करना है, तब अपने टैक्सोन टिक करना है, क्योंकि टैक्सोन सिंगुलर है। अगर वो दो से ज्यादा की बात करें तब अपने को टैक्सा टिक करना है, तो टैक्सा प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। टैक्सोन टैक्सा में डिफरेंस समझ आ रहा है, और टैक्सोन पूछे तो टैक्सोन क्या है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यही क्वेश्चन भी बार बार मिलेगा, बहुत बार मिलता है, ठीक है। टैक्सोन क्या है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यूनिट क्या है, जैसे ये एक एक कैटेगरी एक यूनिट है, किंगडम फैलम क्लास ऑर्डर ये सब एक 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 यूनिट है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ हुआ है सब चीज, इस चीज को फिर से एक बार रीड करना पड़ता है तब समझ में आता है। अब आगे आगे देखते हैं यहाँ पे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इट मीन इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एंड थस वेयर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। देखिए क्या बोल रहा है, इस और पढ़ते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। देखिए ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, कैटेगरी रैंक भी डिफाइन करता है। ईच रैंक और टैक्सोन, इन फैक्ट रैंक मतलब टैक्सोन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए यही बात हम पहले देखे थे। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि हम ग्रुप कैसे किए ऑर्गेनिज्म को, तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारा ग्रुप्स आता है, ट्राइपोड्स जिसे तीन पैर पैर हैं, ऐसे टेट्रापोड्स, ठीक है, ऐसा ऐसा एक ग्रुप्स आता है जिसमें हम इंसेक्ट्स को पेट कर इंसेक्ट्स को पुट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसेक्ट्स को आप जब भी देखेंगे तो उसका इंसेक्ट्स को जब भी देखते हो तो एक मॉर्फोलॉजिकल पार्ट देखना होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल में जब पार्ट देखेंगे तो इंसेक्ट्स के हमेशा पैर आपको दिखेंगे, बहुत सारे पैर है कीड़े के एकदम बहुत सारे, तो उसको उसके पैर को गिना जाता है, और फिर उसके पैर को गिन के उसके जितने पैर है उसको उस टाइप के उस कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है। जैसे ट्राइपोड्स में वो इंसेक्ट्स आते हैं जिसके तीन पैर होते हैं, टेट्रा में चार वाले पैर आएंगे, इसके बाद क्या आता है कि एक टाइम बाद बहुत पैर आ जाता है, ठीक है। तो फिर वो फिर उसके लिए प्रॉपर ऐसा नहीं है कि इसके आठ पैर है, सोलह पैर है, बीस पैर है, उसके बाद वो फिर एक कॉमन टर्म में आ जाते हैं कि सब कैसे बनाए, इनका बहुत सारा पैर है। तो ये एक पार्ट है, ठीक है, कि किसी के किसी भी इंसेक्ट्स को उसके पैर के बेसिस पे कैटेगराइज कर किया जा रहा है, ठीक है। तो बस वही बात है कि ये बात बोल रहा है कि इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। मतलब उनमें एक कंक्रीट चीज दिख रहा है इंसेक्ट्स में, यहाँ इसके पैर बहुत सारे, तो उस और उस स्पीसीज पे इसको क्लासिफाई किया जा रहा है। देखिए एंड थस वेयर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कुछ आप और ऑर्गेनिजम्स की बात कर सकते हैं जिनको ऐसे ऐसे कॉन्क्रीट बेसिस पे पुट किया जा रहा है या फिर कॉन्क्रीट बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जा रहा है, कर सकते हैं आराम से, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे चार पर है, दो पर अभी बाद में देखेंगे उसको। देखिए रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, जो भी ग्रुप हम बनाते हैं वो ग्रुप क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। कैटेगरी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी रैंक को रिप्रेजेंट करता है, और रैंक मतलब टैक्सोन, आखिर में वही मिला जुला के बताया जो इससे पहले देखे थे, ठीक है। आगे और देखते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडीज of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, or division,
फॉर प्लांट्स, ठीक है, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग थस इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एट द लोवेस्ट कैटेगरी स्पीसीज. देखिए ये वाला पार्ट भी आते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं अपन. ठीक, क्या है लोवेस्ट कैटेगरी, कभी भी पूछे तो क्या टिक करना है, स्पीसीज, ठीक है ना. और हाईएस्ट कैटेगरी क्या हुआ फिर, किंगडम, ठीक है ना. स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज, बहुत सारे कैटेगरी है या फिर टैक्सोन है, ठीक है. इसमें से स्पीशीज जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट क्या हुआ, किंगडम होगा अपने आप. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, मतलब ऑर्गेनिज्म को कैसे प्लेस करें इतने सारे कैटेगरीज में. देखते हैं, द बेसिक्स रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स. सीधी बात है, कैसे भी हम कैसे अगर हम शुरुआत से देखें तो शुरुआत से हमको जब भी एनिमल को आइडेंटिफाई करना था, उसका नोमेनक्लेचर करना था या फिर उसका उसका क्लासिफिकेशन करना था, उसको कैटेगरी में पुट करना था, तो हम किस बेसिस पर कर रहे हैं उसको शुरू से, उसे कैरेक्टर्स के बेसिस पे, चाहे उसका मॉर्फोलॉजिकल हो या फिर कैसा भी, तो जो भी कैरेक्टर्स है उसे कैरेक्टर के बेसिस पे ही उसको शुरू से पुट किया जा रहा है या फिर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, नोमेनक्लेचर किया जा रहा है उसे कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही, ठीक है. तो यहाँ पे भी वही बात होगा कि क्लासिफाई कैसे करें ऑर्गेनिज्म को, या फिर ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में पुट कैसे करें. सीधी बात है, उसका कैरेक्टर्स देखें. तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हमको उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए. दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का अगर वो कैरेक्टर्स पता चल जाता है तो हम उसको सीधी बात उन दोनों के बीच डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को देख सकते हैं. और जब हमको ये पता चल गया तो हम उन दोनों को किस किस कैटेगरी में पुट करना है ये चीज भी देख सकते हैं. सिंपल सी बात है, करना क्या है, उसे कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करने हैं. इसके बाद क्या आता है कि अब हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेगा, ठीक है. तो पहला कैटेगरी क्या है, हम नीचे से चालू करें, लोवेस्ट से, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है. क्या हुआ, स्पीसीज हुआ. तो देखिए स्पीसीज अगर बात करता है, अच्छा हाँ ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो इसमें क्या आता है कि जैसे ये हमारा है, ठीक है, यहाँ पे गलती हुआ ऐसे ही. तो हमेशा ये पूछता है कि इक्वियो पूछेगा क्या कि साइन कौन सा डालना है, ऐसे वाला या फिर ऐसे वाला, तो हमेशा ये वाला क्वेश्चन आता ही रहता, मिलता रहता, ठीक है. सबसे बड़ा कैटेगरी क्या है, सीधी बात है किंगडम, तो कौन सा आएगा, ये, ठीक है. सबसे छोटा कौन सा है, स्पीशीज. अच्छा वो हमेशा ऐसे नहीं देगा, ठीक है, हमेशा उल्टा पुलट देगा. कैसे, कि कभी भी ये क्वेश्चन भी देता, मतलब वो ऐसे चालू कर देगा, जी से चालू कर देगा, हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे. कभी कभी क्या करता है, ऐसे कर देगा, जी एफ सी ऐसे, तो कब क्या पुट करना है सबसे देखना पड़ेगा. जैसे सी इससे बड़ा है तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे, लेकिन जी इससे छोटा है, ठीक है, मतलब एफ जी से छोटा है ना, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है. मतलब वो मान लीजिए ऐसे पुट किया कि जी एफ एस, अब क्या होगा, अब ये तो छोटा है ना, तो ऐसे, लेकिन ये इससे भी छोटा है, इससे बड़ा, तो ऐसे, ठीक है. तो हमेशा ये वाला क्वेश्चन आता है, इसको देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है. बस ये ध्यान रखना है कि ये छोटा है किंगडम ऐसे, मतलब ये वाला जो आधा डिसेंडिंग ऑर्डर, बस इसको देखने के बाद साइन अपने आप आ जाता है, ठीक है. कभी कभी ये वाला जो पार्ट है ना, जो साइन वाला, जैसे हम अभी देख रहे हैं साइन वाला, इस साइन वाले पार्ट को वर्ड्स में पूछने की कोशिश करता है क्वेश्चन पे. तो वर्ड्स पे गलती यहाँ पे तो बहुत ईजी है ना, क्योंकि ईजी दिख रहा है, ठीक है, वर्ड्स पे खेल हो जाता है. वर्ड्स पे ही थोड़ा सा हार्ड पड़ता है कि कब क्या पुट करना, ठीक है. तो वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी अच्छा दिखेगा, ठीक है. तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि स्पीसीज सबसे छोटा या सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, ठीक है. टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज. देखा यहाँ पे अभी मुझे याद आ गया, जैसे ये याद आ रहा है कि स्पीसीज जीनस में लोवेस्ट क्या है, और एक दो जगह फंसते हैं. देखना अभी क्वेश्चन आएगा, अभी देखना यहीं पे आएगा, दिखेगा, ठीक है. अगर नहीं दिखाना तो मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा. टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज, ठीक है. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है. दो स्पीशीज में क्या अंतर होता है, एक डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है. लेट अस कंसीडर मेनजीफेरा इंडिका
सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पेंथेरा लियो। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इसका इसी से क्या डिफरेंस है, इसमें तो पूरा का पूरा जीनस भी डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, मेनजीफेरेंडिका क्या है, आम है, सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, आलू है, पेंथेरा लियो क्या लॉयन है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट represents a specific epithet, while the first word Mangifera, Solanum, and Panthera are genera. While the first words Mangifera genera represent another higher level of taxon or category. देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एमसीटी पता नहीं क्या किया है, लेकिन इसको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए while the first word कहाँ गया, देखिए देखिए ये जो 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 जेनरा और पार्ट था, मेंजीफेरा, सोलेनम एंड पेंथेरा, पेंथेरा आर जेनरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हाई लेवल टैक्सॉन और कैटेगरी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो जेनरा है, जो मतलब जो जीनस है, वो हायर लेवल कैटेगरी है। सीधी सी बात है, अगर हम स्पीसीज को देखें, स्पीसीज सबसे लोएस्ट पार्ट था, और तो हायर क्या हुआ, जेनरा हुआ, मतलब स्पीसीज से हायर हुआ ना। ठीक है, देखना है यहाँ पे क्वेश्चन इस चीज का नहीं आया, क्वेश्चन फंसता यहाँ पे नहीं है, फंसता यहाँ पे कैरेक्टर्स को लेकर कि कौन से पार्ट में स्पीसीज में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होते हैं या जेनरा में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। देखना आगे, ये जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट यही है। देखिए क्या बोल रहा है कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एक जेनरा के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म को शो कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, जिनमें की मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जितने भी स्पीशीज हैं वो डिफरेंस किस बात पे है कि डिस्टिंक्ट, उनके पास डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है। यहाँ पे भी वही बात बोल रहा है कि जो अलग अलग है उनमें मॉर्फोलॉजी थोड़ी तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होगी। जैसे पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, पेंथेरा टिग्रिस एंड पेंथेरा लियो, ये सब ये दोनों का जिनरस तो जिनरा तो एक ही है, पर इनका स्पीशीज अलग है, क्योंकि एक टाइगर है एक लॉयन है। एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम क्या है, मिर्ची है। ठीक है, एंड मिलोनजीना, ठीक है, इसका मेरे को नहीं पता। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस व्हिच इज ग्रुप इन जीनस होमो, द साइंटिफिक नेम तो होमो सेपियंस। ठीक है, अभी हम यहाँ इस पॉइंट पर आगे आएंगे जब जेनरा के बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना, जब दोनों को पारी बारी देखेंगे तब समझ आएगा कि अब देखिए जीनस के बारे में बात कर रहा है। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक में क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। यहाँ पे क्या करेगा, डैश कर देगा, कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, तो रिलेटेड स्पीसीज किस में आ रहे हैं, जिनरस में आ रहा है। सीधी सी बात है, एक जिनरा के अंदर बहुत सारे स्पीसीज आ रहे हैं, तो रिलेटेड स्पीसीज किस में आए, जीनस में आए, जीनस से हायर लेवल है। तो ठीक है, ग्रुप जीनस कंप्राइजेस द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जिनरा। क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, जीनस है मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जीनस में जो रिलेटेड स्पीशीज है उसका ग्रुप है, क्या जीनस रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप है, विच है जिसके पास मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। मतलब ये जिनरा है, इसके अंदर S1 S2 मतलब स्पीसीज 1 स्पीसीज 2, ठीक है, और ये G2 S-1 S-2 S-3, ठीक है। तो क्या है, इस स्पीसीज में ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन है इन स्पीसीज के कंपैरिजन पे, व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जिनरा, है कि नहीं, ये बात ही बताना चाह रहा है, सिंपल सी बात है। इसको वर्ड्स याद रखना है, ग्रुप जीनस इज कंप्रेसर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, दूसरे जेनरा के स्पीशीज से ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होंगे पहले जेनरा में, ऐसे ही है।
बस वर्ड्स का ध्यान रखना है. वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये भी एक पॉइंट है. वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. जेनरा जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप है, एक एग्रीगेशन है. अगर जो स्पीशीज आपस में क्लोजली रिलेटेड है अगर उसको हम एग्रीगेट कर दें तो एक जेनरा बन जाएगा, कोई बात बताना चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू द सेम जीनस दैट इज सोलेनम. लॉयन एंड लियोपर्ड एंड टिग्रिस विद टाइगर विद सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा. क्योंकि इनका जेनरा सेम है, ठीक है. जेनरा सेम क्यों है, क्योंकि इनका स्पीशीज जो है आपस में क्लोजली रिलेटेड है. तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं वो एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, एक जेनरा बनाते हैं. मतलब जेनरा क्या, अगर हम बोले जीनस, जो जीनस क्या कंज्यूम करता है, जीनस कंज्यूम या फिर अपने अंदर रखता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को, ठीक है. तो यही बात बता रहा है. दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स, ठीक है. ये तो बस समझ आ रहा है. अच्छा देखिए, ठीक है, इसको आगे देखेंगे. ठीक है, समझ आ रहा है ना. जीनस तो इजी था, स्पीशीज भी इजी था. The next category is family. अब देखिए यहाँ पे भी तीनों में ना एक पॉइंट फंसा है, क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक है. The next category family has a group of related genera. देखिए मतलब क्या होगा कि ऊपर जो जो हायर लेवल है उसके नीचे, उसके बाद वाला जो लेवल था, जो लो लेवल था, उसका जो रिलेटेड पार्ट है, मतलब उसको अगर रिलेटेड कर दे, मतलब उसमें जो जो रिलेटेड है वो आपस में मिलके एक ऊपर वाले पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है. बहुत सारे मान लीजिए ये स्पीशीज सब रिलेटेड थे, तो ये सब मिलके क्या बन गए, एक जीनस में आ गए. अब ऐसे ऐसे जो जो जीनस आपस में रिलेटेड थे वो सब जीनस मिलके क्या बन गए, फैमिली बन गए, ठीक है. तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज. देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या बोल रहा है. विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. क्या बोल रहा है, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. फैमिली एक रिलेटेड जेनरा का ग्रुप है विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज. मतलब उस जेनरा जो कि इनमें ग्रुप है उनमें उतना सिमिलरिटी नहीं है जितना सिमिलरिटी जीनस और स्पीशीज वाले में था. देखिए इस चीज को यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, इसको पहले मिटाना पड़ेगा. अच्छा नहीं, यहीं पे समझ सकते हैं. देखिए क्या बोल रहा है कि स्पीशीज बहुत सारे जो क्लोजली रिलेटेड थे, क्लोजली रिलेटेड जो कि आपस में मिलके बन गए जीनस, ठीक है. और बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड जीनस थे जो मिलके बन गए फैमिली, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्पीशीज थे यहाँ पे ना, इनमें एक आपस में बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स थे. क्या, बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स थे, इनमें सिमिलरिटीज थी. ये जो स्पीशीज थे ये एक ही जैसे टाइप के थे, मतलब इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी थी, इसलिए वो बनके जीनस बन गए. लेकिन यहाँ पे जो जीनस बन के फैमिली बने ना, यहाँ पे जो सिमिलरिटीज है आपस में, ये जीनस में जो सिमिलरिटी है आपस में वो स्पीशीज वाले से कम है. समझ आ रहा है, स्पीशीज मिलके जीनस बने, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलके जीनस बने और क्लोजली रिलेटेड जीनस मिलके फैमिली. तो जो भी स्पीशीज थे था इसमें जो सिमिलरिटीज थी ये ज्यादा थी. ये जो जीनस का जो ग्रुप बना इनमें जो जानवर है या फिर इनमें जो ऑर्गेनिज्म है इनमें जो सिमिलरिटी है वो कम है इसके कंपैरिजन में. इजी, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. ठीक, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. अगर प्लांट का पार्ट है तो उसके फैमिली में क्या क्या चीज देखा जाएगा, उसका वेजिटेशन कैसे होता है, मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और उसका रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या क्या है उस प्लांट के. अगर हम प्लांट की बात करें तब, और फैमिली में तब ये चीज देखा जाएगा. ये भी पॉइंट भी पूछता है, ठीक है. ये पॉइंट भी एमसीक्यू में दिख जाता है कि जब फैमिली की बात करें तो प्लांट में वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स और प्लांट स्पीशीज मतलब इसके बेसिस पे होता है, ठीक है. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. जब हम फैमिली में पुट करेंगे प्लांट को तो उसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर देखा जाएगा. एमंग प्लांट फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जेनरा सोलेनम पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी.
सुलानेसी क्या है? फैमिली है। एमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पेंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लियोपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडे। समझ रहे हैं? जैसे कि ये सब चीज था जो टाइगर लियोपर्ड था, ये इनका स्पीशीज अलग अलग था लेकिन ये कॉमन जीनस से पुट किए थे जिसका नाम पेंथेरा था। ठीक है, अभी पेंथेरा वाला जो जीनस था और जो फेलिस वाला जीनस था, फेलिस मतलब कैट वाला जीनस, ये दोनों के दोनों दोनों जीनस मिलके एक फैमिली में आते हैं जिसका नाम है फेलिडे। ठीक है, इस चीज तो इजी है, ये चीज ध्यान पे ध्यान रखना। प्लांट में क्या क्या देखते हैं? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल। अब कैट और डॉग की बात करें, ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि जो जो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो क्लोजली रिलेशन है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, पहले स्पीशीज कॉमन था तो सिमिलरिटीज एकदम ज्यादा थी। ठीक है, फिर मिल गए, अब जीनस बना, जीनस में उन लोगों के बीच जो जीनस जो सिमिलरिटी था वो तो ज्यादा था ही ना, क्योंकि जीनस में तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आए थे लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं था। ठीक है, अब वो जीनस मिल के क्या बन गए? फैमिली बन गए। फैमिली में अब जो सिमिलरिटी था, सीधी बात है स्पीशीज वाले से कम ही होगा, है ना। अब वो सब बन के अब देखिए, अब इसको अब आखिरी में क्या बोल रहा है कि कुत्ते और बिल्ली में क्या क्या सिमिलरिटी है, मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि ये लोगों का तो जीनस कम से कम सेम भी था, अब हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जिसका जीनस भी सेम नहीं है, है ना, मतलब इसका जीनस भी अलग है। स्पीसीज तो बहुत दूर का बात है, वो तो अलग ही है, जीनस भी अलग है, मतलब अब वो दो फैमिली की बात कर रहा है, मतलब अब सिमिलरिटी और कम हो गई है कि नहीं। दे आर मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना, मतलब लोअर से हायर, तो जो सिमिलरिटी है वो आपस में कम होता जा रहा है। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पे गलत होता है, जहाँ पे सिमिलरिटी बढ़ रही है, कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फैमिलीज फेलिडे एंड कैनिडे। ठीक है, कैनिडे वाला जो है ये डॉग का फैमिली है, फेलिडे जो है वो कैट का सिमिलरिटी है। ठीक है, ये बात भी है कि पेंथर और ये सब लियोपॉर्ड और टाइगर लॉयन ये सब जो है कैट के फैमिली में आते हैं, फेलिडे जिसका नाम है फेलिडे, और जो डॉग्स का कैटेगरी है तो कैनिडे है, जिसमें और भी हम फोक्स सब दिखेंगे, क्या बोलते हैं जो फॉक्स है ये सब चीज दिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, फैमिली निकल गया, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ऑर्डर। यू कैन सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है क्या कि जो स्पीशीज जीनस एंड फैमिली, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं स्पीशीज जीनस फैमिली, ये कैसे बने, मतलब इसका बेस्ड क्या है? तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे ही बने हैं, नंबर ऑफ सिमिलर, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, कौन? स्पीशीज जीनस फैमिली। ठीक है, लेकिन अब आया चौथा नंबर जिसका नाम है ऑर्डर। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। अब क्या पूछ रहा है? अभी तक हम बात कर रहे थे सिमिलरिटी का, जो सिमिलर था उसको एक चीज में पुट कर दे रहे थे, लेकिन अब क्या बात कर रहा है कि अब हमको सिमिलरिटी नहीं देखनी है क्योंकि सिमिलरिटी आ नहीं रही है ना। जैसे अब हम देखें कि अभी बात की जैसे कुत्ते और बिल्ली का, ठीक है, तो वो दोनों का फैमिली अलग अलग है, हो सकता है ऑर्डर सेम हो, अभी अभी तो अलग बात है, ठीक है, ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर का जब हम बात करेंगे तो सिमिलरिटी का बात नहीं करेंगे क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें अब तो कुछ कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो कि एग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब उनका जो अपना कैरेक्टर है वो एग्रीगेट, उनके एग्रीगेशन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरिटी तो दूर का बात है, ठीक है, कैरेक्टर के एग्रीगेशन पे बात हो रहा है कि कैरेक्टर क्या क्या है, दो आंख है क्या, एक कैरेक्टर है, दो आंख है, उनके उसके दांत है क्या, उसके दांत उसके कैनाइंस लंबे हैं क्या, ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर से बात हो रहा है क्योंकि सिमिलरिटी कम हो रही है। ऑर्डर्स बीइंग अ हायर कैटेगरी इन द असेंबलिंग ऑफ फैमिलीज व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, देख रहे एकदम फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, कुत्ते और बिल्ली की बात करें मान लीजिए, तो उसमें क्या ही सिमिलर कैरेक्टर आएगा कि कुत्ते के भी दो आंख है, बिल्ली के भी दो आंख है, इससे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर तो आएगा नहीं क्योंकि क्योंकि दोनों का फैमिली अलग अलग है ना,
स्पीसीज और जीनस तो बहुत दूर का बात है, फैमिली ही अलग है दोनों का, है ना। तो कैरेक्टर की बात करें तो अब एक कॉमन कैरेक्टर मतलब कि जो दिख रहे हैं आपस में, ठीक है। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, क्या बोल रहे हैं इस, यहाँ पे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक में क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। इससे पहले जो पार्ट था ना उसको क्वेश्चन का फ्रेम नहीं होता, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है क्योंकि यहाँ पे लोग फंसते हैं। क्या बोल रहा है कि दी सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग अ फैमिली, फैमिली और जेनरा के कंपेरिजन पे जो सिमिलर कैरेक्टर तो कम ही है क्योंकि अब हायर लेवल पे जाते जा रहे हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉर्बुजिए, सोलेनेसी एंड आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स। यहाँ देखिए इस चीज को याद रखना पड़ेगा, अब देखो सबको तो याद नहीं रख सक रहे, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये सब में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है क्योंकि लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो ये सवाल सीधे पूछ लेगा कि ऑर्डर पॉलिमोनियल्स, ऐसा पूछेगा कि ऑर्डर पॉलिमोनियल्स इंक्लूड विच टाइप ऑफ फैमिली, विच फैमिलीज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज, ऐसे पूछेगा। तो क्या हमको यहाँ लिखना है कि पॉलिमोनियल ये क्या है, ऑर्डर है, इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी फैमिली आती है, एक तो ये हमारा ये हो गया, कौन कौन सी है, और इधर क्या आएगा सोलेनेसी, ठीक है, ये सब क्या है, ये फैमिली है प्लांट की, ये दोनों फैमिली किस में आते हैं, पॉलिमोनियल में आता है। इसमें यहाँ पे जो जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बस इसी में क्वेश्चन आता है, वो ऐसा नहीं कि एकदम से डीप पूछेगा, डीप नहीं पूछेगा, यही सब पूछेगा, ठीक है। तो कॉन्वुलसिए एंड सोलेनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलिमोनियस मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कलेक्टर, ये सवाल है, ठीक है, ये कौन था, बस इसको यहाँ पे कर लूँ कैसे, कहाँ पे करूँ, ये सब चीज किस बेसिस पे था, बेस्ड ऑन व्हाट, फ्लोरल कैरेक्टर्स, मतलब कि दो फैमिली इसका नाम है कॉन्वुलसिए, कॉन्वुलसिए एंड सोलेनेसी, इन दोनों को एक ही ऑर्डर पर पुट किया जा रहा है जिसका नाम है पॉलिमोनियम। लेकिन क्यों पुट किया जा रहा है, क्योंकि दोनों का जो फ्लोरल कैरेक्टर है उसमें सिमिलरिटी है, ठीक है। The animal order carnivora include families like Felidae and Canidae। देखिए जो दो फैमिली था Felidae और Canidae, वो किस पे आ रहा था, किस पे किस ऑर्डर पे आ रहा है, वो कार्निवोरा, कार्निवोरा मतलब कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, वो कार्निवोरा पे आ रहा है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। बस यहाँ वापस पुट करते हैं, कैमरा बहुत रोटेशन हो रहा है यहाँ वहाँ, ठीक है। अब ऑर्डर तो निकल गया, अब इससे एक हायर कैटेगरी जिसका नाम है क्लास। This category includes related orders, for example, order primates, primata, comprising monkey, gorilla and gibbon, is placed in class mammalia। ये सब क्या है आखिर में mammal है, ठीक है, तो ये कौन से class में आ रहा है, mammalia। Along with order carnivora include animal like tiger, cat, dog, class mammalia has other orders also। मतलब क्या बोल रहा है कि आखिर में क्या किया, जैसे प्रीमार्ट था, जो प्रीमार्टर जो ऑर्डर था, और जो ये ऑर्डर था कार्निवोरा, जिसको पूछ करके कौन से क्लास में डाला, मैमलिया, मैमलिया क्लास है, ये भी पूछेगा, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। मैमलिया क्या है, मैमलिया एक क्लास है जिसमें मैमल्स आते हैं, ठीक है, मैमलिया इसमें मैमल्स आएंगे, तो सबको पूछ करके वो एक सबको एक मतलब एक दूर मतलब एक एकदम कॉमन कैरेक्टर को देख रहा है, ठीक है, एकदम कॉमन जो कि गिन चुन के कॉमन है, अब उसको पूछ करके एक और एक नए कैटेगरी में डाला, जो कि बोला कि हाँ ठीक है ये लोग एक मैमल्स हैं, ठीक है। मैमल्स के कैरेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं ये सब हम जानते हैं, इनके बॉडी पे बाल होते हैं, फर्स होते हैं, ठीक है, जिनके बॉडी पे बाल होते हैं, फिर उनके पास इनके इनके ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब मैमल्स के कैरेक्टर है, ब्रेस्ट होना, बॉडी पे बाल होना, ये सब चाहिए, ठीक है, तो ये सब क्लास है। इसके बाद और क्या आया, इसके बाद आया फाइलम, फाइलम इसमें प्लांट के लिए डिविजन बोलते हैं, ठीक है, फाइलम प्लांट के लिए डिविजन। फाइलम क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, अलोंग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। अब देखिए फाइलम में क्या क्या जा रहा है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, अलोंग विद मैमल्स, ये सब एक फाइलम में जा रहा है। ऑल दिस बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होता है ये आगे देखा जाएगा,
कौन से पार्ट में, एनिमल किंगडम में नोटोकॉर्ड देखा जाएगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ये क्या है, डोर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, होलो क्या है, न्यूरल सिस्टम, ये सब चीज देखा जाएगा, ठीक है। तो किस देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे सवाल पूछेगा कि ये भी जो है, जो ये जो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सब एक फाइलम में ऐड किए गए, एक फाइलम में ग्रुप किए गए, किस बेसिस पे? तो इस बेसिस पे ग्रुप किए गए कि इनका प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है कि नहीं है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस पे, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पे, ये सब के बेसिस पे इनको एक कैटेगरी में पुट किया गया है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट्स, जिनके पास कॉर्डेट है नोटोकॉर्ड, ठीक है। कौन से पार्ट में पुट किया गया ये कॉर्डेटा, एक कॉर्डेटा होता है, नॉन कॉर्ड, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट सब आता है ना, तो आगे देखेंगे इस एनिमल किंगडम में मेनली। तो आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा, किस बेसिस पे? नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पे, यहां पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, फ्रेम करता है। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिंगल कैरेक्टर आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट के केसेस, प्लांट के केस पे इसको फाइलम नहीं बोलते, इसको डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये पूछ ले। अब लास्ट आया सबसे हाईएस्ट किंगडम, किंगडम, ठीक है, और एनिमल, ऑल एनिमल, अगर वो एनिमल है तो उसको एक चीज पे पुट किया गया, टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी, तो हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया, हिंदी क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। द किंगडम प्लांट, प्लांटे ऑन द, प्लांट मतलब एक प्लांटे मतलब प्लूरल फॉर्म, ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्रेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन, दो ही है, किंगडम, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांट, और भी है क्या देखना पड़ेगा, प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन, हेंसफोर्थ वी विल रिफर टू दिस टू ग्रुप्स as animal and plant kingdom. The taxonomic category from species to kingdom has been shown in ascending order starting with species. देखिए यह ascending order पे है, ठीक है। अगर यहाँ species देखा जाए तो वो एक ascending order पे है, क्योंकि छोटे से बड़ा होगा, ठीक है। कहाँ गया animal plant kingdom? Taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species. These are broad categories, ये एक broad category है, however taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. क्या है, जैसे ये part है ना order class, तो इसमें एक subcategories भी आपको देखने को मिलेगी, ताकि कुल मिला के चीज क्यों करा, ताकि थोड़ा easy पड़े, ठीक है। Look at the hierarchy in the figure, can you recall the basis of arrangement, say for example as we go higher from species to kingdom. बस यहीं पे क्वेश्चन फंसता है, ये सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पे इस पार्ट को देखना बहुत जरूरी है, ताकि क्वेश्चन फंसे ना, यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है सब पार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल एस वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ आगे बढ़े, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स goes on decreasing, क्या बोल रहा है, जब हम नीचे से ऊपर जाएं तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो रहा है, तब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, ठीक है। वहां पे एक बात था, जब हम जीनस की बात कर रहे थे, तो जीनस की बात कर रहे थे तो क्या बोला था, मैं यही बोला था, यहाँ पे ठीक है जीनस पे चलते हैं। जीनस, जीनस कंप्रेसेस ऑफ ग्रुप रिलेटेड स्पीशीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, क्या बोला वो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या बोला कि जीनस से, अगर स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो जो कैरेक्टर्स है उनका जो कॉमन, मतलब जो कॉमन कैरेक्टर है, जो सिमिलरिटी है, वो डिक्रीज होने लगता है, एकदम बढ़िया। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक अलग बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो स्पीशीज एक जीनस रखा हुआ है अपने पास, उस स्पीशीज में ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन है दूसरे स्पीशीज के मुकाबले, समझ रहे। अगर एक जीनस कुछ टाइप के स्पीशीज को रखा हुआ है तो इन स्पीशीज में आपस में बहुत कैरेक्टर्स कॉमन है इसके कंपेरिजन में, ये मतलब इन दोनों पे कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। वो अलग बात बोल रहा है, ये अलग बात बोल रहा है, ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोला कि जो जीनस स्पीशीज को कंज्यूम करता है, इस स्पीशीज से मिलकर जो जीनस बना है ना, तो इनमें जो कैरेक्टर्स कॉमन है आपस में, वो इससे ज्यादा कॉमन है, इन दोनों, इन लोगों से ज्यादा कॉमन है इसमें, इस इन लोग में जो कैरेक्टर कॉमन है वो इससे ज्यादा कॉमन है,
अगर मैं S1 और ये S-1 को कॉमन कंपेयर करूँ तो कैरेक्टर यहाँ पे कम होंगे ना, कम कैरेक्टर कॉमन होंगे इन दोनों में, कैसे कॉमन होंगे क्योंकि इनका जीनस अलग है। लेकिन जिस जीनस में स्पीसीज से लोग इंक्लूड हैं बहुत सारे, उनका कैरेक्टर आपस में बहुत कॉमन होगा, ये वही बात बोल रहा है। और यहाँ पे ये बात तो आपको याद ही रखना है, क्या बोल रहा है, जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे लोवेस्ट टू हाइएस्ट, तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द नंबर विद इन द टैक्सा शेयर। इस पॉइंट को देखना है, लोअर द टैक्सा, जितना लोअर टैक्सा है जैसे कि स्पीसीज जीनस ये सब लोअर टैक्सा, फैमिली लोअर टैक्सा, लोअर द टैक्सा जितना ज्यादा टैक्सा लोअर होगा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। मतलब कि उस टैक्सॉन पे जो लोग हैं वो लोग ज्यादा कैरेक्टर शो करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर प्लांट पे सबसे हायर कैटेगरी क्या है, सबसे हायर टैक्सा किंगडम, ठीक है, तो किंगडम में जो कैरेक्टर्स होंगे वो लोग ज्यादा शेयर नहीं करेंगे आपस में। किंगडम में जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे, जो भी उसके पार्ट होंगे, वो आपस में ज्यादा कैरेक्टर शो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन स्पीसीज में जो कैरेक्टर आएंगे वो लोग आपस में बहुत सारे, स्पीसीज तो एक है, जीनस में जो लोग आएंगे वो लोग आपस में बहुत सारे कैरेक्टर्स शो कर रहे होंगे कॉमन, समझ रहे हैं। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द नंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। यहाँ पे वर्ड्स एकदम याद रखना है, वर्ड्स को यहाँ पे कॉन्सेप्ट का खेल नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स का खेल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पे वर्ड्स को ही समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, वर्ड्स पे खेलता है, ठीक है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट दिस सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। जितना हायर टैक्सा होगा उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगा आप दूसरे टैक्सा से रिलेशनशिप बनाने में, क्योंकि हायर टैक्सा में जो कैटेगरी है वो कॉमन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन है ही नहीं, बहुत कम कॉमन है ना। सामने वाला देख के बता सकता है कि हाँ ये एनिमल है और ये प्लांट है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अब एनिमल है तो एनिमल में फिर क्या वो है, क्या कितने कैरेक्टर कॉमन है, बहुत डिफरेंस है ना। एक एक सांप है, एक डायनासोर है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टू व्हिच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म्स लाइक हाउस फ्लाई मैन मैंगो वीट बिलोंग। यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पूछता है जीनस फैमिली ऑर्डर, किसी का भी पूछेगा बोलेगा किसका है, या फिर इसका इस हाउस फ्लाई का दे देगा, हाँ बोलेगा हाउस फ्लाई का फैमिली बताओ, ऑर्डर बताओ, क्लास बताओ, मैंगो का बताओ, ये फिर सेपिंडल दे देगा, ये पूछेगा ये क्या है, ये ऑर्डर है, फैमिली है, क्लास है, क्या है, ये तो सब याद रखना पड़ता है। इसका ट्रिक व्रिक है दिखेंगे, लेकिन अब ये फिलहाल याद करना पड़ता है, ठीक है। मैन का क्या है, होमो सेपियंस, होमो फैमिली क्या है, होमो, जहाँ पे भी ए लिखा, ये देखिए ए आ रहा है आखिरी में ए, बस ऐसे ही इसको याद रखा जाता है, जो ए आ रहा है ना, ये क्या बताता है, फैमिली बताता है। ये सब ये दोनों तो नाम में दिख जाएगा, ठीक है, ये दोनों को याद रखने का जरूरत नहीं है। बस जैसे वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ये तो इसका नेम हो गया, ट्रिटिकम क्या है, इसमें जीनस है, एस्टिवम क्या है, इसका स्पीशीज है, तो ये चीज़ तो हमको पता रहता है, ठीक है, ये चीज़ तो देखते बन जाएगा। फैमिली नहीं लिखा रहेगा, तो जिसमें भी तो फैमिली का एक नाम है कि उसके एक कॉमन है कि उसके आखिरी में ए आएगा, होमोनिडे, मस्क्यूडे, मस्कुडी, ठीक है, एनाकार्डिसिए, पोइसिए, ये सब जो आखिरी में ए आ रहा है ये फैमिली बताता है, ठीक है। फैमिली बोले तो ए, ऑर्डर प्रिमाटा, डिप्टेरा, सेपिंडल्स, ओइल्स, अब ये याद रखना पड़ेगा, प्रिमाटा, ऑर्डर क्या है, प्रिमाटा, डिप्टेरा, डिप्टेरियंस बोलते हैं ना, सेपिंडल्स, ओइल्स, ये चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लास मेमलिया, इंसेक्टा, ये क्या है, डाइकोटाइलेडोन, मोनोकोटाइलेडन, अभी तो हमको अब ये चीज तो हमको समझना पड़ेगा ना, ठीक है। मैन क्या है, मैन मैमल है, तो क्लास क्या, क्लास तो इसी के बारे में बात करेगा कि मैमल है, इंसेक्ट क्या है, वो बर्ड क्या है, तो क्लास मैन मैमल है, हाउस फ्लाई इंसेक्ट, मैंगो डाइकोटाइलेडन उसका जो बीज आता है डाइकोटाइलेडन है, वीट मोनोकोटाइलेडन, सिंपल यही चार पूछेगा, ये चार के बाद और कुछ नहीं पूछेगा। फैलम या डिविजन, मैन क्या है, मैन कॉर्डेट्स, हाउस फ्लाई इंसेक्ट अर्थोपोडा, अर्थोपोडा में आएगा, मैन मैंगो एंजियोस्पर्म, और वीट क्या है, ये भी एंजियोस्पर्म है, इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम याद कर सकते हैं, इसको चार पांच बार बिना देखे लिखेंगे तो याद हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला तो पार्ट था, आगे देखते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है।
अब इसको अगली वीडियो में देखेंगे, ये तो यहाँ तक था। इसको 4-5 बार अगर लिख के देखें इस वाले टेबल को तो ये याद हो ही जाता है, बहुत इजी है। ठीक है, थैंक यू।